आप सभी को राधे राधे। आज का वीडियो मैं बच्चों के लिए लेके आई हूँ, आसान तरीके से बच्चे सीनरी कैसे बना सकते हैं और उसमें कैसे शेड दे सकते हैं। तो बच्चों को पहले ले लेना है एक ड्राइंग पेपर या कॉपी, चारों तरफ आउटलाइन कर लेनी है जैसे मैंने की है, और हल्की पेंसिल जो नॉर्मल जिससे आप लिखते हैं वो पेंसिल ले लेनी है, अच्छी क्वालिटी की हो, चलती अच्छी हो, इसका ध्यान रहे। और बीच में एक हमें सीधी लाइन खींच देनी जैसी मैंने की है, और ऊपर से ये जिग जैग जो मैं कर रही हूँ ये बाद में आपकी झाड़ियों का रूप ले लेनी, ये लगेगा कि झाड़ियाँ हैं। और ऊपर हम लोगों को क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिए, ये दो पहाड़ बना देने हैं, ज़्यादा नहीं बनाने, दो ही बनाने तो हमारी सीनरी बहुत अच्छी लगेगी। दो पहाड़ में बड़े बड़े छोटे छोटे जब हम पहाड़ बनाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं, बड़े पहाड़ और सिर्फ दो या तीन। अब ये झोपड़ी, झोपड़ी सबसे आसान होती है बच्चों के लिए, सभी बच्चे बना लेते होंगे, और अगर नहीं बना पाते तो मैं आगे वीडियो बना दूँगी आसान तरीके से आप झोपड़ी कैसे बना सकते हैं, वो आप सीख सकते हैं। सीनरी में पेड़, पहाड़ और झोपड़ी तीन चीज़ें बहुत ही मस्त होती हैं, जिनके बिना हमारी सीनरी अधूरी लगती है। तो बच्चों ये देखिए, ये पेड़ जो मैंने बनाया है ये नारियल का पेड़ है। ज़्यादातर सीनरी में नारियल के पेड़ बने रहते हैं क्योंकि ये बहुत आसान होते हैं बच्चों के लिए और देखने में खूबसूरत लगते हैं, तो इसे आप बना सकते हैं। मैंने एक बनाया है, बच्चे दो भी बना सकते हैं और उसी पेंसिल से शेड दे देते हैं इस तरीके से। शेड देने के लिए पेंसिल का पकड़ना हमें आना चाहिए, कैसे हमें पकड़नी है ये देखिए, पहले हम पेपर पे रख देते हैं, फिर इस प्रकार से पेंसिल को पकड़ते हैं कि पूरी पेंसिल पेपर में लगती रहे, और हल्का हल्का सा हाथ चलाते हैं शेड देने के लिए, डार्क नहीं करना है, हल्का हल्का चलाना है तभी हमारी सीनरी अच्छी लगेगी। पेंसिल हमेशा बच्चों हल्के हाथों से ही चलानी चाहिए, और जब हमें डार्क करना होता है तो हम लास्ट में दोबारा पेंसिल चला के ड्राइंग को डार्क करते हैं। अगर पहले ही डार्क कर देंगे, अक्सर बच्चे यही करते हैं, डार्क पेंसिल चलाते हैं, टाइट पकड़ते हैं और पेपर गंदा हो जाता है, बार बार इरेज करने में निशान पड़ जाते हैं, स्पॉट पड़ जाते हैं, तो हमारी ड्राइंग ख़राब हो जाती है। इसका विशेष ध्यान रखें, पेंसिल आपको हल्की ही चलानी है जैसे मैं चला रही हूँ, बहुत हल्के हल्के, तो हमारा शेड अच्छा आता है हल्की पेंसिल चलाने में। इस तरीके से आप बनाते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो, पूछना हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं।